हेलो यूट्यूब फैम, सो कैसे हैं आप सभी लोग। आगे की क्लिप और ये टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी का जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आपको चावल बनाने हैं, फिर आपको मसाले भूनने हैं, और उसके बाद आपको लास्ट में करना है लेयरिंग। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कुकर में ले लिया है सरसों का तेल। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे चावल मैंने प्रिपेयर करके रखा है। नॉर्मल चावल बनाना है जैसे कि हम रोज़ाना बनाते हैं, बस यहाँ पे आपको 80% करना है। यहाँ मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले ले लिए हैं, यहाँ पे मैं मीट मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे बिरयानी मसाला यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 2 बड़े कटे प्याज ले लिए हैं लंबे लंबे, जिन्हें हमें भूनना है। 1 बारीक कटा प्याज। यहाँ पे मिर्चियों को मैं लंबा लंबा कट कर रही हूँ, और ये रहा मेरा आधा किलो चिकन। सो यहाँ पे मैं खड़े मसाले दिखा दे रही हूँ, 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 काजू, फिर लौंग आपको लेना है, काली मिर्च लेनी है 15 से 20, और इलायची लेना है। आप दालचीनी ले सकते हैं, मतलब गर्म मसाले आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो भी हमने 2 बड़े प्याज जो थे उन्हें अब हमें भूनना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो प्याज होते हैं ये असली टेस्ट लाते हैं बिरयानी में। यहाँ पे जो मैंने 1 बारीक कटा प्याज लिया था उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा मैं ले ले रही हूँ। यहाँ पे हम अब इन्हें भूनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा भुनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर उभर के आएगा। यहाँ पे हमें प्याज को तब तक भुनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे भुनना है। ये देखिए, बीच बीच में मैं आपको बताती रह रही हूँ। ये देखिए, बस इस लेवल तक आपको इसे भुनना है। यहाँ पे मैं सारे प्याज को निकाल के साइड में रख ले रही हूँ। बस अब सेम कुकर में हमें लेना है, यहाँ पे जो भी हमने खड़े मसाले लिए थे उन सारे खड़े मसालों को हम एक साथ यहाँ पे डाल देंगे तेल में। अब जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ प्याज था उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे कुकर में। फिर से हमें इन्हें भुनना स्टार्ट करना है। मसालों को तब तक आपको भुनना है जब तक ये अच्छी तरीके से पक न जाए, इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। बस अब इस स्टेज पे आपको डालना है यहाँ पे चिकन। यहाँ पे मैंने सारे चिकन डाल दिए हैं, अब अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लीजिए ताकि एक एक चिकन के पीस में जो खड़े मसाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा और टेस्ट एनहांस करने के लिए देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जीरा नहीं डाला है, यहाँ पे मैं जीरे का छौंक लगा रही हूँ। सो सरसों का तेल मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच, इसमें को अच्छी तरीके से हम गरम कर लेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे जीरा। बस अब इसका छौंक हम कुकर में लगा देंगे, इसे भी हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब आवाज़ मेरी है तो हाथ किसका है, तो एक्चुअली जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा चिकन बिरयानी बनाते हैं, सो इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली थी। बस यहाँ पे मैंने डाला है कयामत का, वो जो मैंने मीट मसाला आपको दिखाया है वो मैंने 2 से 3 चम्मच यूज़ किया है। आप यहाँ पे बिरयानी मसाले का यूज़ करिएगा। आप चाहो तो आप कोई भी मीट मसाला, चिकन मसाला कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली बहुत जो टेस्ट एनहांस करता है वो होता है बिरयानी मसाला। हमारे पास बिरयानी मसाला नहीं था तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है, दैट इज़ मीट मसाला। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब नमक यूज़ किया है। अच्छा हाँ, जब हम चावल को उबाल रहे थे तभी भी मैंने आधा चम्मच वहाँ पे नमक का यूज़ किया था, तो आप नमक उस हिसाब से यूज़ करिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी यूज़ किया, आप आधे चम्मच के करीब गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको 2 से 3 चम्मच बस पानी डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी जो प्याज है, जो चिकन है, वो पानी छोड़ेगा ही, और हमें इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़ा ड्राई बनाना है। बस यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पे अब
दो विसल आने तक आप इसे अच्छी तरीके से पका लीजिए। यहाँ पे सीम जो है वो आपका एकदम लो होना चाहिए, वरना आपका जो मसाला है, जो आपका चिकन है, वो बिना पानी के जल जाएगा। ये देखिए जो हमारा विसल है वो आ गया है, तो हमें दो विसल तक पकाना है। अब हमें दूसरे पैन में, जिसमें आप बिरयानी बनाने वाले हैं, उस पैन में हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमें यहाँ पे घी यूज़ करना है। अब जो हमने लंबी कटी हुई मिर्च यूज़ किया था, उन मिर्च को यहाँ पर डाल के हम अच्छी तरीके से इन्हें भी भून लेते हैं। इन्हें हमें जलाना नहीं है या बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट रखना है, बस इसका तीखापन जो है वो उसमें ऑयल में आ जाना चाहिए। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हमें फ्लेम को बंद करके करना है, तो हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है। अब सबसे पहले हमारा जो चिकन था हम उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि विसल अच्छी तरीके से गैस निकल चुका हो। ये देखिए मैं हमने पानी इतना नहीं डाला था जितना पानी उसमें ऑलरेडी आ गया है चिकन और प्याज की वजह से। बस यहाँ पे अब ऑफ फ्लेम में ही आपको पैन के ऊपर लेयरिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम चावल का लेयर लगा रहे हैं। चावल का लेयर जो है इसे अच्छी तरीके से आप पैन में अच्छी तरीके से बिछा लीजिए। अब जो हमारा भुना मसाला था उसका लेयर स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो मिर्च हमने भून के रखी थी उसका लेयर लगा दीजिए। अब चिकन की लेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। चिकन का लेयर जब भी हम लगाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि मसाले भी इक्वल क्वांटिटी में हमारे जितने भी लेयर बने उन सब पे आने चाहिए। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं केवड़े का फ्लेवर। सो केवड़े का जो ये जो फ्लेवर है ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किराना शॉप पे, जहाँ से भी आप मसाले परचेस करते हैं वहाँ पे मिल जाएगा इजीली। बस अब यहाँ पे फिर से हमें सेम प्रोसेस स्टार्ट करना है। हमने फिर से यहाँ पे चावल की लेयर लगाई है। चावल का लेयर लगाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा केसर का पानी यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी तरीके का फूड कलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम जनरली केमिकल, मैदा, इन सारी चीज़ों में प्रेफर नहीं करते। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा हम बहुत ही रेयर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हमने केसर का यूज़ किया है। केसर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट एनहांस करता है बिरयानी में, और केवड़े का जो रस है वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस करता है। सो यहाँ पे फिर से हमने भुना प्याज और मिर्च की लेयर लगा दी है। अब हम यहाँ पे चिकन का लेयर फिर से लगा रहे हैं, और फिर से हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स केवड़े के रस का लगाना है। याद रखिएगा सारा प्रोसेस गैस बंद करके हो रहा है। एक बार लेयर लग जाए उसके बाद हम फिर से गैस को ऑन करेंगे, अदरवाइज आपका जो नीचे का चावल है वो जल जाएगा। बस ये आखिरी लेयर है हमारा, तीसरी बार जो हम लगा रहे हैं, फिर से सेम प्रोसेस को दोहरा रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 कटोरी के करीब हमने 2 कटोरी के करीब यहाँ पे चावल का यूज़ किया था। आपके घर में जितने मेंबर से खाने वाले, आप अगर रेगुलर 1 कटोरी चावल बना रहे हैं दाल और रोटी के साथ, तो आप यहाँ पे 2 कटोरी का यूज़ करिए, क्योंकि ये बिरयानी है और ये ज़्यादा खाई जाएगी। बस यहाँ पे आखिरी में हमने फिर से डाल दिया है केसर का पूरा, जो हमने पानी तैयार किया था। केसर का पानी तैयार करने के लिए आपको पानी को उबालना है, उसमें 5 से 10 आपको केसर के स्टेंग जो हैं वो आपको वहाँ पे डाल देना है, और ये अपने आप ही पानी जो है ये आपका ऑरेंज फ्लेवर में आ जाएगा। बस यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही सीम पे यहाँ पे हमने गैस ऑन किया है, और हमने वापस से यहाँ पे लीड लगा दी है। हम इसे
दम पे बनाएंगे, दम पर। यहाँ पे मैं साइड में आटे नहीं लगा रहे हैं हम लोग, बिकॉज़ जो हमारा पैन है और पैन का जो ढक्कन है, ये मतलब हाँ ये जो पैन का ढक्कन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, तो हमें पूरे पैन के साइड में हमें नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। बस यहाँ पे जो एक हल्का सा होल है छोटा सा, वहाँ पे हमने आटे गीले आटे से हमने उसको कवर कर दिया है, और इसे बहुत ही सिंपल लगाएंगे। ये 5 मिनट के बाद, जस्ट 5 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट के बाद आप कैप को उठा के देखिए। और यहाँ पे हमने हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। अब अच्छी तरीके से बिरयानी को आप मिक्स कर दीजिए, लेकिन हल्के हाथों से मिक्स करिएगा, क्योंकि जो चावल है ये बिरयानी में बड़े बड़े और खिले खिले ही अच्छे लगते हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए क्या लाजवाब हमारी बिरयानी बन के रेडी हुई है। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से बिरयानी बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। लीजिए, ये सर्व करने के लिए अब रेडी है। इसके साथ आप प्याज की रिंग्स और आप चटनी इसके साथ सर्व करिए, और खा के बना के ज़रूर बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। अगर आपको बिरयानी की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द ही इसकी भी रेसिपी लेके आऊँगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मज़ेदार और रेसिपीज़ देखने के लिए। इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अगले दिन, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।